हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैदराबादी तड़का। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, तो आप यहाँ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन एक्टिवेट करना ना भूलिएगा। जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी रेसिपीज़ के, आपसे मिस ना हो। चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबाद के चटपटे दही बड़े। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें, बेसन 1 कप, अदरक लहसुन 1 टीस्पून, और इसके लिए नमक चाहिए हसबे जायका, और बगार के लिए चाहिए ज़ीरा, रेड चिलीज, करी पत्ता। गार्निश के लिए चाहिए और तला हुआ प्याज, ये कोथमीर, और बेसन मिक्स करने के लिए पानी चाहिए। और मैं ये दही, फेटा हुआ दही है, इसमें मैं ग्रीन चिल्ली पेस्ट ऐड की और नमक ऐड की और कुछ नहीं, और इसी कंसिस्टेंसी में आप दही बनाइएगा, ज़्यादा पतला नहीं करिए। चलिए अभी हम मिक्स करेंगे। चलिए अभी पानी चाहिए, आहिस्ता पानी डालना, लम्स ना नहीं देना, और ज़्यादा लूज भी नहीं मिक्स करना है इसको। इसको मिक्स करके एक आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अब अपने दही बड़े बहुत मुलायम बनेंगे। इसे जितना अच्छा पेटोगे ना आप, उतना अच्छा मुलायम दही बड़े बनेंगे। चलिए, कोई लम्स नहीं है इसमें। चलिए आधा घंटा हो गया है, हमारा बेसन अच्छा से बिक चुकी है। इसमें 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, पहले भी डाल सकते हैं। ये फ्राई करने के लिए रेडी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिए, बहुत मज़े की बनती है, स्पेशल हैदराबादी डिश है ये। तेल गरम हो चुका है, अभी फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह, छोटे छोटे डालिएगा, बड़े मत डालिए। भजिए इस कलर में आना, गोल्डन ब्राउन कलर में, ज़्यादा इसको ओवर कुक करना है नहीं, ताकि ये ब्लैक हो जाते हैं, जल जाएंगे। ये पानी ली मैंने, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स कर दें। अभी ये भजिए इसमें छोड़ देंगे। ये फ्राई किए हुए भजियों को निकाल के पानी में डाल दी मैंने, देखिए ऐसा खोल गए। अभी बहुत मुलायम है ये, इसको हम पानी में से निकाल के दही में डाल देंगे। चलिए अभी बगार रेडी है हमारी, तेल गर्म हो चुका है, हम बगार में डाल दें। केयरफुल से करना, ज़ीरा डाल 1 टीस्पून,
जीरा डालने के बाद स्टोव बुझा दीजिए। जीरा गोल्डन ब्राउन होना चाहिए और करी पत्ता उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। इसको गार्निश करेंगे हरा धनिया। तली हुई प्याज, तली हुई प्याज ज़रूरी है, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। चलिए मैं आपको ये तोड़ के बताऊंगी कितना मुलायम बनाइए। कोई गुठली नहीं बनी, इसी तरह बनती है। चलिए उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और बनाइएगा ज़रूर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।